आजम खान और मुलायम सिंह का रिश्ता बड़ा टूट रहा है। अखिलेश यादव ने इस रिश्ते का मान रखा, आजम खान और उनके बेटे दोनों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट में सबसे चर्चित नाम नाहिद हसन का है, जिसे कैराना से टिकट देकर अखिलेश यादव ने यादव और मुस्लिमों पर दारोमदार और एतबार बनाए रखा है। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बता रहे हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे छिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। सवाल उठते रहे, विवाद बढ़ता रहा, हमले होते रहे, लेकिन अखिलेश नाहिद हसन को कैराना से उम्मीदवार बनाने से नहीं चुके। इस लिस्ट को गौर से देखिए, 8वें नंबर पर नाहिद हसन का नाम दर्ज हो चुका है। अखिलेश ने नाहिद के नाम पर होने वाले हमलों को दरकिनार कर दिया है और नाहिद के नाम पर मुहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। यकीनन नाहिद हसन के नाम को हरी झंडी दिखाने से पहले समाजवादी पार्टी ने काफी सोचा विचारा होगा, बीजेपी के हमलों का भी आकलन किया होगा, क्योंकि एक तो कैराना और फिर नाहिद हसन, इतना तो तय है कि बीजेपी कैराना को यूं ही नहीं छोड़ेगी, अखिलेश पर हमलों की बौछार जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी की पहली प्रत्याशियों की लिस्ट में 159 प्रत्याशियों में से आपराधिक मामले और जेल में बंद उम्मीदवारों को लेकर के बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, जिसमें खास तौर पर कैराना से नाहिद हसन, रामपुर से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की दावेदारी पर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इस फहरिस्त से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए स्थानीय नेताओं और तमाम सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने उन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिससे उसे अपनी जीत सुनिश्चित लगती है। अखिलेश की लिस्ट में दो और मुस्लिम चेहरे भी दिख रहे हैं, जिन पर आगे जबरदस्त जंग रहने वाली है। अखिलेश ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान को रामपुर से टिकट दिया है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से मैदान में उतारा है। अब्दुल्ला 10 दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट में नाहिद हसन और आजम खान का नाम सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देने की एक नींव रखी थी और उसका एक तरह से आज की सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह दृश्य दिखाने का काम किया है कि चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा के अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके पास उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास हैं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे हो उनको भी वो टिकट दे रहे हैं, ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। लेकिन अखिलेश पलायन पर मुखरता से ज्यादा न बोलते हुए भी वही कर रहे हैं जो उनकी चुनावी रणनीति को मुफीद होता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।